जय हिंद दोस्तों, आज की जो वीडियो होने वाली है काफ़ी ज़्यादा इंफॉर्मेटिव होने वाली है और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पर होने वाली है। अमूमन इस विषय पर मुझसे काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन जो हैं वो पूछे जाते हैं कि यहाँ पर इंश्योरेंस पास नहीं हो रहा है और उसके लिए अगर पास होना है तो हमारे पास कौन से कैटेगरी का लाइसेंस होना चाहिए। तो ये मैं जानकारी दे दूँ कि इसमें कैटेगरीज होती हैं और वो मैं आगे चल के आपको बताने वाला हूँ कि कौन सी कैटेगरी का लाइसेंस आपके पास होना चाहिए। तो ये वीडियो अगर शुरू से लेकर अंत तक आप देखते हैं तो नो डाउट आपको सारे क्वेश्चन का आंसर इस वीडियो में मिल जाएगा, ये तो गारंटी है। सबसे पहले तो इस वीडियो को आप लोग लाइक करिएगा, जो भूल जाते हैं बाद में तो अभी कभी लाइक कर दें इस वीडियो को अगर आपको थोड़ी सी वैल्यूएबल जानकारी इस वीडियो में मिलने वाली हो तो। और साथ ही साथ आप इस वीडियो को शेयर करिएगा एवं इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन जरूर कर लें ताकि ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ RTO की या फिर ट्रांसपोर्ट सेक्टर की आपको फ्यूचर में भी मिलती रहे, बेल आइकन को ऑन जरूर करिएगा। आइए बढ़ते हैं अपने टॉपिक पर, आपको जानकारी देते हैं। इंडिया में व्हीकल खरीदने के साथ साथ अगर हम औसतन बात करें तो 90% लोग जो है पॉलिसी लेते हैं, इंश्योरेंस लेते हैं। क्यों लेते हैं? ये रीज़न यही है कि ये मैंडेटरी होता है। शुरू में गाड़ी आप लेंगे तो इंश्योरेंस लेना पड़ेगा, वो चाहे 1 साल का हो, 2 साल या 5 साल का हो। कहीं कहीं पर ऑफ़र वगैरह मिलता है तो आदमी 2, 4, 5 साल का ले लेता है, लेकिन वो लेता है। ठीक है, तो इंश्योरेंस लेना चाहिए और हर व्यक्ति को इंश्योरेंस पॉलिसी होल्ड करके रखना चाहिए। इससे आपका ही हित होता है क्योंकि इससे आप अपना अपनी गाड़ी का थर्ड पार्टी को फाइनेंशियली सिक्योर करते हैं इंश्योरेंस लेने पर। तो ये ध्यान से आप सुनिए। लेकिन इसके बावजूद कि आपको पता है कि इंश्योरेंस होने के बावजूद एक्सीडेंटल केस में बहुत सारे लोग, मैं आपको बात करूं तो लगभग इसका रेशियो 40% तक ये भी पहुंच चुका है, वो लोग इंश्योरेंस पास तक नहीं करा पाते हैं। पॉलिसी होल्ड करना अलग बात है, लेकिन अगर कहीं पर खुदा न खास्ता कोई एक्सीडेंट हो गया या फिर कोई वहां पर दुर्घटना हो गई तो आपके पास अगर इंश्योरेंस है, चाहे वो अपना है या कॉम्प्रिहेंसिव वाला है या फिर थर्ड पार्टी का कोई भी है, तो उसको पास नहीं करवा पाते हैं। ये इसका डेटा काफ़ी ज़्यादा बड़ा है, क्यों नहीं हो पाता है ये, तो इसमें मैं आपको जानकारी देता हूँ। बहुत सारे लोग इस कैटेगरी में आ जाते हैं, इसके चक्कर में वो हज़ारों रुपए दलालों को भी खिला देते हैं इंश्योरेंस पास करवाने के लिए, फिर भी उसका इंश्योरेंस पास नहीं हो पाता है, पैसे नहीं मिलते हैं, वो लोग टहलते रहते हैं एक ऑफिस से दूसरे ऑफिस तक। तो ऐसा क्यों होता है? देखिए, क्लेम पास नहीं होने का सबसे बड़ा रीज़न जो है वो एक सर्वे में यही पता चला था कि इंडिया में बहुत सारे लोगों को ये नहीं पता है कि कौन सी गाड़ी चलाने के लिए किस कैटेगरी का लाइसेंस होना चाहिए। बहुत सारे लोगों के पास ड्राइविंग लाइसेंस होता ही नहीं है, समझ रहे हैं आप? और बहुत सारे लोगों के पास ड्राइविंग लाइसेंस जो होता भी है उसमें जो पर्टिकुलर लाइसेंस चाहिए होता है उस व्हीकल को ड्राइव कर रहे हैं जिससे एक्सीडेंट हुआ है या फिर कोई दुर्घटना घटी है, तो उसी कैटेगरी का लाइसेंस होना चाहिए तभी इंश्योरेंस पास होगा। ऐसा नहीं है कि 4-व्हीलर ड्राइव कर रहे हैं, एक्सीडेंट 4-व्हीलर से हो गया या फिर कोई दुर्घटना हो गई, मिसलेनियस एक्टिविटीज़ हो गई 4-व्हीलर से, और आपके पास लाइसेंस कौन सा निकला? 2-व्हीलर वाला। अब आप बोलेंगे मेरे पास लाइसेंस तो है लेकिन फिर भी मेरा वहाँ पर इंश्योरेंस पास क्यों नहीं हो रहा है? तो रीज़न यही है कि आपके पास जो कैटेगरी का लाइसेंस होना चाहिए वो नहीं है। तो 4-व्हीलर चला रहे हैं तो आपके पास 4-व्हीलर कैटेगरी का लाइसेंस होना चाहिए, वो भी वैलिड लाइसेंस। ऐसा नहीं है कि वो लर्नर लाइसेंस है या फिर, और एक चीज़ बता दूँ कि लर्नर लाइसेंस बिल्कुल ही मान्य नहीं है, उससे कोई इंश्योरेंस पास नहीं होगा। लर्नर लाइसेंस का मतलब होता है कच्चा लाइसेंस, ये 6 महीने तक ही वैलिड होता है और इससे आपको अकेले गाड़ी चलाने की आज़ादी भी नहीं है। तो ये चीज़ें आप अपने दिमाग से वहम को निकाल दें। सबसे पहले तो आप वैलिड लाइसेंस बनवाइए, जो ड्राइविंग लाइसेंस होता है, और जो प्रॉपर लाइसेंस जो गाड़ी चलाते हैं उसी का लाइसेंस होना चाहिए, समझ रहे हैं आप? काफ़ी सारे लोग जो DL बनवाते हैं उनको कैटेगरी नहीं पता होती है, तो मैं बता देता हूँ आपको। अगर आप लोग मोटर व्हीकल एक्ट 1988 के तहत, मैं आपको ये लाइसेंस के कैटेगरीज बताने वाला हूँ, 2-व्हीलर चला रहे हैं, 2-व्हीलर अगर आपके पास है तो आपके पास MCWG, समझ रहे हैं, मोटरसाइकिल विथ गियर NT नॉन ट्रांसपोर्ट, ये आपके पास प्राइवेट कैटेगरी का लाइसेंस होना चाहिए। यही लाइसेंस रहेगा तो ही आपका इंश्योरेंस पास होगा। अगर फ्यूचर में कोई एक्टिविटी वहाँ पर होती है, गलत एक्टिविटी, मान के चलिए कि दुर्घटना होती है, एक्सीडेंट होता है, कुछ भी होता है, तो एक्सीडेंटल केस में इंश्योरेंस पास होगा 2-व्हीलर से, आपके पास MCWG NT लाइसेंस होगा। तो 4-व्हीलर है, दुर्घटना घटी है, तो LMV NT लाइसेंस होना चाहिए तो ही इंश्योरेंस पास होगा, समझ रहे हैं आप? और कमर्शियल गाड़ी आप चलाते हैं, जो पीली नंबर की प्लेट होती है गाड़ियों की, उनको चलाने के लिए कमर्शियल लाइसेंस बनता है, तो वो कमर्शियल लाइसेंस LMV और TR होता है, उसमें TR की वैल्यू ट्रांसपोर्ट की होती है,
लंबी TR होना चाहिए। और साथ ही साथ अगर आप हैवी कैटेगरी गाड़ी को चला रहे हैं, उससे एक्सीडेंटल हो गया, कहीं पर दुर्घटना घट गई, तो ऐसी केस में आपके पास ट्रांस लाइसेंस, TRANS, ट्रांस, जो कि हैवी लाइसेंस का ही एक पार्ट है, वो लाइसेंस होना अनिवार्य है। अगर आप ये लाइसेंस नहीं होगा तो फिर इंश्योरेंस पास नहीं होगा, चाहे आप जो भी कर लें। थ्री व्हीलर से अगर आपका कहीं पर एक्सीडेंट होता है या फिर आप चलाते हैं, तो आपने के पास 3WTR लाइसेंस होना अनिवार्य है। लोडर, एक्सावेटर, JCB, ये आप ऑपरेटर हैं, इन सभी के ये गाड़ियाँ चलाते हैं, और तो आपके पास एक जिम्मेवारी भी होनी चाहिए कि भारत में वैसे जितने भी गाड़ियाँ हैं उनको चलाने के लिए प्रॉपर लाइसेंस होना अनिवार्य है। तो इसी का टिक वहाँ पर गाड़ी में JCB, एक्सावेटर या लोडर वगैरह आप चलाते हैं, तो आपके पास LDRXCV लाइसेंस होना चाहिए, तो ही आपका वैलिड आपके पास लाइसेंस, जिससे आप चालान से भी बचेंगे। ये जो लिस्ट मैंने आपको बताई, इससे आप चालान से भी बचेंगे, एक्सीडेंटल होता है तो उसका क्लेम भी पास हो जाएगा और आप सुरक्षित भी रहेंगे, क्योंकि आपके पास सारे दस्तावेज मौजूद हैं। तो भारत में इंश्योरेंस क्लेम ज़्यादातर दोस्तों इसी वजह से पास नहीं होता है, इसमें बहुत सारे लोग फंस जाते हैं, उलझ जाते हैं, तो मैंने आपको चीज़ें बता दी, तो इससे आप सावधान रहें, अवेयर रहें। अभी भी कोई मन में डाउट, कोई क्वेश्चन रह गया हो तो आप हमारे यूट्यूब कमेंट सेक्शन में यहीं पर, या फिर एडवाइस, सजेशन, सुझाव देने के लिए, बातचीत करने के लिए इंस्टाग्राम और ट्विटर पर जुड़ जाइए, अपने क्वेश्चन को वहाँ पर पूछिए, आंसर आपको मिल जाएगा। टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर लीजिए, डिस्क्रिप्शन लिंक दे रखा है। बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ तक वीडियो देखने के लिए, लेकिन अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दीजिएगा, इस वीडियो को शेयर करिएगा, लाइक भी जरूर करिएगा। धन्यवाद। जय हिंद। वंदे मातरम।